चले आगे बढ़ते हैं और उदयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भाजपा शहर विधानसभा प्रत्याशी को लेकर उपजे विवाद का ये पूरा मामला है। विरोध पर उतरे पारस सिंघवी की स्वाभिमान रैली को पुलिस ने रोक दिया है। घंटाघर थाना इलाके में रैली को रोका गया है। जगदीश मंदिर जाने से पहले समर्थकों को रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया। लाउड स्पीकर भी जब्त कर लिया गया है। आचार संहिता के चलते पुलिस ने ये कदम उठाया है। विरोध के बाद पुलिस ने पारस सिंघवी और कुछ समर्थकों को ही मंदिर जाने की अनुमति दी है। समर्थकों और पुलिस में इस दौरान गहमा गहमी का माहौल भी बनता दिखा। आपको बता दें कि ताराचंद जैन को टिकट देने के बाद से ही लगातार पारस सिंघवी का विरोध सामने आ रहा है और ऐसे में आज रैली निकाली जानी थी लेकिन पुलिस ने रैली को बीच में ही रोक दिया। घंटाघर के पास जगदीश मंदिर जाने से पहले, क्योंकि जगदीश मंदिर जाकर आला कमान की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करने वाले थे पारस सिंघवी, और ऐसे में अब जो है कुछ ही समर्थकों के साथ जगदीश मंदिर जा पाएंगे। और इस दौरान गहमा गहमी का माहौल भी देखा गया। सबसे पहले जी राजस्थान पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस और रैली में मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच गहमा गहमी का माहौल बन गया। और चले इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अविनाश, रैली पारस सिंघवी की रवाना हो रही थी, बीच में पुलिस ने रोक दिया, गहमा गहमी का माहौल भी इस वक्त बनता दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, क्या कुछ हालात है अभी? टिकट मिला उसके बाद सिंघी विरोध पर उतरे हुए हैं। बगावती तेवर पिछले तीन दिनों से पारस सिंघी के देखने का आ रहे हैं और आज वो समर्थकों के साथ स्वाभिमान रैली के रूप में टाउन हॉल से निकले थे और जगदीश मंदिर पहुंच के भगवान जगदीश के दर्शन कर उन्हें सद्बुद्धि देने, आला कमान को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करे थे। लेकिन क्योंकि पुलिस का कहना है कि पारस सिंघी ने किसी तरह की कोई अनुमति रैली निकालने की नहीं ली थी, आचार संहिता लागू है, ऐसे में जिले में धारा 144 लगी हुई है, बिना परमिशन के अगर आप अनुमति करेंगे तो पुलिस ने घंटाघर थाना क्षेत्र में ही रैली को रोक दिया और उसके बाद पारस सिंघवी के समर्थक और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि अनुमति नहीं थी। ऐसे में विरोध बता दें, पुलिस ने पारस सिंघवी और कुछ समर्थकों को जगदीश मंदिर जाने दिया और जो बाकी के समर्थक थे उनको घंटाघर इलाके में ही रोक दिया गया। हालांकि पारस सिंघवी भगवान के दर्शन करके आला कमान को सद्बुद्धि देने की अगर आश्वासन उनको नहीं मिलता है तो वो अपना आगे का स्टैंड जो है वो अपने समर्थकों को आप लेके और वो दिखाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि जब से उदयपुर शहर में जो ताराचंद जैन को पार्टी ने शहर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है और उसके बाद से ही भारत से पलख एवर वो देखे जा रहे हैं, ना केवल स्थानीय जो प्रत्याशी को बल्कि असम के राज्यपाल और मेवाड़ अविनाश, तो लगातार पारस सिंघवी जो है विरोध करते नजर आ रहे हैं ताराचंद जैन का। और अविनाश, यहाँ पर कल हमने देखा था कि इस दौरान उन्होंने गुलाबचंद कटारिया का भी जिक्र किया था कि उनके कहने पे जो है टिकट ताराचंद जैन को दिया गया है। शाम को ही मीरा सामुदायिक भवन में इकट्ठा हो गए इनके घर पर राजपाल करते हुए वो उदयपुर शहर विधानसभा की राजनीति को दूषित कर रहे हैं और सीधे तौर पे कहा कि ये टिकट जो ताराचंद जैन पर दिए गए हैं जो जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया, सनातन विरोधी होने का उनके पर आरोप लगाया, जैन संतों साधु संतों का अपमान करने का और इसके पूरे पीछे इसके टिकट दिलाने के पीछे को जिम्मेदार ठहराया है। तो कहीं ना कहीं ना के जैन बल्कि राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी मुझे टिकट दिया जाए लेकिन पार्टी का जो सच्चा कार्यकर्ता है उन्हें 8-10 नामों को गिना दिया, उनमें से किसी को भी टिकट मिल जाएगा तो वो कुछ काम करेंगे। अविनाश, ऐसे में ताराचंद जैन की कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे विरोध को लेकर? अभी देखिए ताराचंद जैन खुल के कुछ सामने प्रतिक्रिया नहीं दे रहे लेकिन उनका कहना है कि भारत जो है अपनी भड़ास निकालने का काम रहे हैं। जी
जी चलिए अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पारस सिंघवी लगातार ताराचंद जैन का विरोध कर रहे हैं, जब से भाजपा ने ताराचंद जैन को टिकट दिया और आज समर्थकों के साथ रैली निकाल रहे थे जिसे पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। चलिए आगे